सरायकेला के चांडिल डैम में डूबे जहाज को निकालने वाले नौ सैनिकों को रांची में सम्मानित किया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सभी को सम्मानित किया और संजय सेठ ने सभी जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस दिलेरी और साहस से ये काम कर दिखाया वो काबिले तारीफ है। क्योंकि इसका कोई विटनेस भी नहीं था, जो था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को, जो चश्मदी वहाँ पे गवाह था देखने वाला, उसको तो ये भय था कि शायद मैं बोल रहा हूँ अगर जहाज नहीं निकलता तो मेरा कुछ जेल में डाल दिया जाएगा, जब वो एयरक्राफ्ट निकला तो अपनी बात कर रहा हूँ। ये ऑपरेशन चूंकि लोकेशन नहीं मालूम था और चांडिल डैम काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में है, अगर हम सर्च करते हैं और उस डेप्थ की बात करें और उस जगह की बात करें, तो जैसा कि हमारे रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि वो गांव थे पहले, तो राशि मौजा को डैम बनाया गया बांध बांध के, तो वहां अभी भी घर है, मंदिर है, स्टेशन है, जंगल है, नाले हैं, दीवार है, और एयरक्राफ्ट जो कि लगभग 20 फीट लंबाई है, अगर वो टुकड़ा टुकड़ा दो तीन पीस किसी घर में घुस जाए या किसी जंगल के पेड़ के नीचे हो जाए तो उसको ढूंढ पाना से सुनार में भी दिक्कत होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।